अपने ही कमरे में बंद पूरा पूरा दिन बैठना कोई नेचुरल लाइट नहीं है ऑफिस में फिर लंच ब्रेक में कहीं पर थर्टी फोर्टी राउंड करने की कोशिश करो वेदर इट इज रीडिंग टू म्यूजिक सम सम डीप ब्रीदिंग जस्ट प्रेयर अगर आप अपना टाइम फ्लक्चुएट करोगे तो नींद का बहुत इश्यू हो जाएगा मैम आगे मैंने जैसे कहा कि हमारी जो मेन ऑडियंस है वो यंगस्टर्स हैं वो अपने जैसे कहा था कि आपके पेशेंट्स में जो आई की ट्रीटमेंट कर प्रिपरेशन करते हैं मेडिकल एंट्रेंस की या फिर इंजीनियरिंग की मास्टर्स या कुछ मैम तो ये ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव ईयर ओल्ड का जो हमारा डेमोग्राफी है जो हमारे ऑडियंस तो इनमें सबसे कॉमन मेरे हिसाब से हेल्थ कंडीशन में इन सब नहीं होगा आपने पेशेंट्स देखे देखे ही देखे होंगे तो क्या क्या कॉमन कॉज है कि जो हमारे इंडिया का जो युवा है वो रात को सो नहीं पा रहा अच्छे से मेन यही है कि हम जो हमारी रात की नींद है ना वो बहुत डिपेंडेंट है हमारे दिन पे तो फर्स्ट इज मेरे को ये देखना है कि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में मैं वो कुछ इनकोपरेट कर पा रहा हूँ जो रात की नींद के लिए अच्छा है एक उसमें से मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी तो अगर सारा दिन हम बैठ के पढ़ते ही रहेंगे तो बॉडी बिल्कुल टायर्ड ही नहीं है तो फिजिकल नहीं आएगी नींद सेकेंड इज द मील टाइमिंग्स ऑफ गॉन ऑल है थर्ड इज अपने ही कमरे में बंद पूरा पूरा दिन बैठना कोई नेचुरल लाइट नहीं है फोर्थ इज़ इफ लॉट ऑफ टी कॉफी इन द डे तो ये सारी चीजें मिल मिला के उनकी रात की नींद को खराब कर रही हैं। और एक तो तो है। मैं रात को ही पढ़ता हूँ मेरा तो पढ़ना ही रात को है सो दैट इज ऑल द reasons कि किस वजह से इनकी रात इतनी खराब हो गई है मैम ऐसे लोगों को आप एड्रेस कैसे करती हैं क्योंकि ऐसे लोग जैसे कि आपने कहा कि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई नई जॉब में वो अपनी अपने क्या कह सकते हैं कि अपनी प्लेस बना रहे हैं तो मैम ऐसे लोगों का मतलब वर्क को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स ही चौदह सोलह घंटे हो सकते हैं तो आप ऐसे इनको कैसे मैनेज करती हैं सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि मैं उनकी पूरी रूटीन ये कहानी लिखती हूँ So, रात से लेके कितने बजे बेड पे जाते हैं लास्ट एक्टिविटी क्या करते हैं कितने बजे सोते हैं कितने बजे उठते हैं उठ के फर्स्ट थिंग क्या करते हैं कब चाय है कॉफ़ी है कब काम है कितना ड्राइविंग डिस्टेंस है सब कुछ सो वी गेट एन आइडिया कि उनका दिन कैसा है और रात एंड देन वी सी कि उन्हीं के अंदर हम क्या क्या छोटी छोटी चेंज ये लोग कर पाएंगे अब कोई सपोज अब जैसे दिल्ली है तो नोएडा से गुरगांव जा रहा है तो उसको डेढ़ दो तो घंटे ट्रैवल में लग रहे हैं वन वे वापस सेम तो तीन घंटे तो वो चले गए तो अगर वो ऑफिस के आवर्स हैं देन वी सजेस्ट के, सी ही कांट वॉक व्हेन ही कम्स बैक होम बहुत लेट हो गया सुबह ही इज लीविंग वेरी अर्ली तो ऑफिस में फिर लंच ब्रेक में कहीं पर थर्टी फोर्टी मिनट्स कहीं पर राउंड करने की कोशिश करो अपनी चाय वाय जल्दी ख़त्म करो अगर रात को बहुत लेट पहुंच रहे हैं तो डिनर सोचो कि मैं पहले ही कर लूँ रात को आके सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ले लूँ स्मोकिंग्कोहल का ध्यान रखो सो so, उन्हीं की लाइफ के अंदर हम क्या इनकोऑपरेट कर सकते हैं तो ये तो हो गया काम का स्टडीज़ वाले लोगों को हम सेम चीज़ बता सकते हैं कि आप अपना एक टाइमिंग सा फिक्सड रखो सो वेदर आई एम वर्क फ्रॉम होम वेदर आई एम स्टडिंग एट होम आई गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर हाफ एन आवर फोर्टी मिनट्स इट आउटसाइड डू सम एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग चाहे दूर मत जाओ गो फॉर अग इफ द वॉद पमिट्स फिर अपना जो काम है दिन का या पढ़ाई है उसको स्टैक्स में करो बीच में मेक श्योर यू हैव अ ब्रेक अपने नॉर्मल फूड टाइमिंग्स ठीक रखो शाम को अगेन डू अ लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग सो अगर आपकी एक्सरसाइज थर्टी मिनट्स है फोर्टी टाइम नहीं है तो पंद्रह पंद्रह मिनट तो हर इंसान निकाल सकता है कप कॉफ़ी पीनी है सो आई थिंक जस्ट दीज यू हैव टू गाइड दैम एंड इसी लिए ताकि देन फिर इन्हीं का खुद ही सवाल रहता है कि दिन में हमारी कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं हम बिल्कुल बैठ नहीं पाते तो दैट विल गेट बेटर द कॉन्सेंट्रेशन इफ़ वी फोकस ऑन द नाइट एंड डे मैम इंसोमिया जो मतलब नींद ना ना आना अच्छे से उसके कई प्रकार होते हैं मतलब अगर नींद चालू ही नहीं होती वो एक होता है मतलब रात को एक दो बजे उठ जाना और फिर ना सो पाना फिर रिफ्रेश फील ना करना तो मैम कॉमन इस एज ग्रुप में कौन कौन से टाइप के इंसोमिया आप देखते हैं सो so, इसमें एक तो यही है कि नींद आती नहीं और दूसरी के मेंटेन नहीं हो पाती आती नहीं बिकॉज क्या है कि इन्होंने अपना हैबिट ही बना लिया कि चार पाँच बजे सोना है और फिर उस टाइम तक ये बहुत इंगेज रहता है ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है फिर जब ये बेड में भी जाते हैं तो नींद नहीं आएगी या ये डिसाइड करते हैं कि आज तो हमको दो बजे सोना है तो फिर वो नींद नहीं आएगी देन द ब्रेन इज़ वेरी एक्टिव तो सो जाएंगे पर नींद टूटती बहुत ज़्यादा है बिकॉज वो एडिक्वेट डीप स्लीप में नहीं जा रहे द ब्रेन इज़ टू एक्टिव सो इन दो तीन रीजन से दे हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम देन देर हैबिट्स लास्ट ड्रिंक लॉट ऑफ एल्कोहल और स्मोकिंग तो वो नींद फिर तोड़ेगा सो द ब्रेक्स इन स्लीप आर अग प्रॉब्लम मैम अगर हम लोग एक टूल किट बनाए कि स्लीप टूल किट मतलब परफेक्ट हेल्थी स्लीप रूटीन तो मैम उसके क्या क्या पॉइंट्स आप देना चाहेंगे कि मतलब ये अगर आप इसमें से कोई दस अगर पॉइंट्स हैं तो उसमें से अगर आप सात आठ भी फॉलो करोगे तो आप रात को चैन से सो पाओगे तो ऐसे आप बताएं हमें कुछ जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ फोकस ऑन द डे एंड देन द नाइट विल गेट बेटर सो डे को अगर हम दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें एक है मॉर्निंग वेन यू गेट अप देन मिडल ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे तो दिडल बिगिनिंग में फर्स्ट थिंग इज कि मैं बिस्तर से उठ के जरूर गेट सम नेचुरल लाइट सम टाइम इन द डे यू शुड डू सम गुड एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी थर्ड इज दैट यू शुड प्री बेड टाइम शट ऑफ

तो मैम ऐसे लोगों के लिए आप क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आप उन्हें रे, रेकमेंड करते हो रिलैक्सेशन के कुछ मेडिटेशन के या फिर so, कुछ फर्स्ट इज कि अपना एक टाइमिंग फिक्स रखो अगर आप अपना टाइम फ्लक्चुएट करोगे तो नींद का बहुत इश्यू हो जाएगा सेकेंड इज कि मैं लास्ट मेरी एक्टिविटी क्या है मैं माइंड को कैसे स्लो डाउन कर लूँ तो उसको स्लो डाउन करने के लिए वेदर इट इज रीडिंग लिस्निंग टू म्यूजिक सम डीप ब्रीदिंग जस्ट शवासना सम्प्रेयर जो भी इंसान को लगे कि मैं करके 10-15 मिनट अपने ब्रेन को शट डाउन कर रहा हूँ दैट लास्ट एक्टिविटी बिफोर बेड टाइम विल हेल्प इन द स्लीप मैम इसका ड्यूरेशन भी आपने अभी आगे बताया था कि दो तीन घंटे नहीं होना चाहिए कि हम लोग नींद की तैयारी दो तीन घंटे पहले से ही कर रहे हैं उससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है तो इसका कितना 20-25 मिनट ही होना चाहिए किस ये मैम इसका आपने यो, आ, योगा और आपने शवासन ऐसे कई सारे आपने कहे तो उसका हम लोग कैसे उसका हमारे मेरे इम्पेक्ट ला सकते हैं मतलब उसकी क्या साइंस है कि उसी से हमें डाउन फीलिंग हो सकती है सो so, ये काफ़ी हद तक लॉट्स ऑफ क्रियाज आसनाज प्राणायाम सब में रिसर्च हो चुका है कि जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है वो ब्रेथ के साथ बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर हम ब्रीदिंग को स्लो कर देते हैं या डीप ब्रीदिंग uh, करेंगे तो द ब्रेन एक्टिविटी विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन सो दैट इंड्यूसेज अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एंड योर ब्रेन वेव्स विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन सो द टेंशन एंड द स्ट्रेस काइंड ऑफ विच वी आर बिल्डिंग अप कैन गेट निगेटेड मैम ऐसे तो ही स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरापी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा मेरे दो तीन फ्रेंड्स ने भी कहा था कि मतलब अगर उन्होंने उन्होंने कई ऑनलाइन कंसल्टेसन किया था तो इसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने अहमियत कही थी तो वो आप समझा सकती है कि ये क्या होती है और ये कितनी so, फायदेमंद हो पा हो सकती है बेसिकली इसका जो पर्पस ये है कि जितना समय हम बेड में बिताएं दैट शुड बी इक्वल टू टाइम स्लीप सो टाइम इन बेड इज इक्वल टू टाइम स्लीप अगर हम बिस्तर में इतनी देर के लिए लेट रहे हैं आठ घंटे दस घंटे बट हम कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ तीन घंटे सो रहा हूँ तो फिर आप बिगिनिंग में जब लगता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ बेड आप कहीं बैठ के कोई जैसे हमने बताया कुछ कामिंग एक्टिविटी कर लो फिर आके बेड में लेट जाओ ऐसी सुबह है अगर मेरे को लगता है कि मैं चार बजे उठ गया बट मैं बिस्तर से तो मैं सात बजे उठ रही हूँ तो फिर मेरे को चार बजे उठना पड़ेगा सो रिस्ट्रिक्टिंग योर टाइम इन बेड विल इंक्रीज द स्लीप ड्राइव सो दैट इज मच बेटर देन टेकिंग एनी टैबलेट फॉर स्लीप मैम इसी से एक रिलेटेड uh, क्वेश्चन है कि रात को अगर मान लो मैं दो बजे उठ गया और मुझे नींद नहीं आ रही तो आपने जैसे कहा कि हमें बेड पर नहीं रहना तो हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए क्योंकि जनरली ये लोग क्या करते हैं कि या फिर सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखने लगते हैं तो अगर रात को आधी नींद में अगर हम लोग उठते हैं और हमें वापस नींद नहीं आ रही तो हमें क्या करना चाहिए सो उसमें अगेन यू हैव टू फिगर आउट कि मैं कैसे एक तो बहुत टेंशन मत ले लेना है जितना हम सोचेंगे कि शायद नहीं आ रही शायद नहीं आ रही वो भाग जाएगी सो इफ़ पॉसिबल इन योर रूम और इफ़ समबडीज़ इन योर रूम ऑलरेडी फिर कोई और जगह ढूंढो जहाँ जाके फिर चुपचाप से बैठ जाओ सोशल मीडिया फ़ोन नहीं उठाना है अगेन वही चीज़ें करनी है कि मैं अगर कोई किताब बट किताब कई दफ़ा रात को पढ़ना मुश्किल है तो जस्ट सिट योर आइज़ क्लोज एंड डू सम्रीथिंग और यू कैन लिसन टू म्यूजिक और इफ़ यू वॉन्ट टू राइट राइट समथिंग जगह थाट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा तो उनको लिखना शुरू कर दो जस्ट पुट अ पेपर एंड पेन सो दिस शुड बी रेडी फॉर यू कि रात को नहीं सोचना मैं कहाँ जा के बैठूँ तो देन यू सिट देयर एंड देन यू कम बैक इन लाइड तो अगर पंद्रह बीस मिनट थर्टी मिनट्स में नींद आपको लेटे लेटे आ जाती है ठीक है बट अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ गेट आउट आउट ऑफ बेड एंड गो इन सिट समेयर डोंट पैनिक लाइक दिस और मैम कोई फंक्शन के कारण या फिर कोई बाहर गए और हमने एक रात हमने अच्छे से नहीं सोया तो हमें क्या करना चाहिए मतलब एक रात तो खराब हो ही गई है तो नेक्स्ट डे तो, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक साइकिल yeah. जो का वो सो सो यू आर राइट सम टाइम्स पीपल से दैट हम इतना स्ट्रिक्ट पूरा टाइम नहीं रह सकते तो ठीक है तो एक रात अगर खराब हुई हमने नेक्स्ट डे जो हमारा वेकअप टाइम है उसका ध्यान रखना है उसको हम आधा एक घंटा डिले कर सकते हैं दैट मच देन यू गेट आउट एंड फॉलो द सेम रूटीन द सेम डे देन नेक्स्ट नाइट विल बी ओके बट अगर हम तीन बजे सोए और फिर सोचा कि आमतौर तो, तो मैं आठ बजे उठता हूँ या उठती हूँ अब मैं आज बारह बजे उठूँगी तो फिर कपल ऑफ नाइट बिल्कुल सबसे पहला टायर्ड जैसे हमने बोला पंद्रह मिनट के लिए कभी नीचे रख कर सकते हो बट एक डेढ़ घंटा नहीं सोना सुबह लेट नहीं उठना मेक श्योर आई डू थोड़ा सा वॉकिंग कर लो ताकि मेरा वो रात साइकिल फिर सेट हो जाए दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे चलिए मिलते हैं